ताड़का स्त्री के नाम पर एक कलंक है, वो निर्मम है, क्रूर है, नरभक्षिणी है। उसे स्त्री कहना स्त्रीत्व का अपमान करना होगा पुत्र। वो नित्य दिन ऋषियों का वध करती है, मानव विकास में बाधक है, उसका अंत मानव रक्षा की ओर पहला पग सिद्ध होगा। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। लक्ष्मण तुम यहीं रुककर ऋषिवर की रक्षा करो, जो आज्ञा भ्राता श्री। विश्वामित्र को आयश पाए, ऋषि रक्षार्थ चले रघुराए। देवी ताड़ का छल बल नाना, श्री रघुवीर बाण संधाना, श्री रघुवीर बाण संधाना। कौन हो तुम? मैं राम हूँ। तुम कोई भी हो, देखने में बहुत सुंदर और कोमल लगते हो। मैं इन बुड्ढे ऋषियों का मांस खाते खाते खींच उठी हूँ। तुम्हारा मांस बड़ा ही स्वादिष्ट और कोमल होगा। चित्कार की ध्वनि कैसी थी? कहीं हमारी माता श्री पर कोई संकट तो नहीं आ गया? प्रातः जो स्वयं सिर से पांव तक संकट हो, उसमें संकट क्या आएगा? फिर भी चलकर उन्हें ढूंढे, कहीं उनको हमारी सहायता की आवश्यकता तो नहीं? ठीक है, चलो चलिए। हे हमारे रक्षक, हमारे प्राण दाता, हे दयालु कृपालु, आप कौन हैं? ऋषिवर, मैं दशरथ पुत्र रघुवंशी राम हूं। अब मैं यहां आ गया हूं, आप सब निश्चिंत हो जाइए, अब कोई भी राक्षस आपको आतंकित नहीं कर पाएगा। मुझे आज्ञा दीजिए ऋषिवर, महामुनि विश्वामित्र मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। माता, ये क्या हुआ माते? ये क्या अनर्थ हो गया माते? माते, हाँ माते, क्या हो गया? जिसका नाम सुनकर भी शत्रु कांप उठे थे, उसकी ये दशा? किस दुष्ट ने ये साहस किया है माते? राता,
हो ना हो यह विश्वामित्र का कार्य है। नहीं भ्राता, उसमें इतना साहस नहीं कि वह हमारी माता के समीप भी आ सके। उसे अवश्य किसी की सहायता मिल गई है। किसकी सहायता भ्राता श्री? यही तो पता लगाना है। तुम विश्वामित्र के आश्रम पर आक्रमण कर दो और जो भी उसकी सहायता कर रहा है उसे समाप्त कर दो। मैं माता का अंतिम संस्कार करके वहीं पहुंचता हूं। जाओ, शीघ्र चले जाओ। प्रणाम गुरुदेव। ऋषिगण, आप लोगों के दुख के दिन अब बीत गए। रघुकुल के ये दो कुमार राम एवं लक्ष्मण आपके संकट के निवारण के लिए आ गए। राम ने ताड़का के यूं टुकड़े टुकड़े कर दिए जैसे कोई मिट्टी के खिलौने को तोड़ता है। हे राम, आप आगे तो पाप का अंत अवश्य है। जहां आप हैं वहां पाप कैसे ठहर सकता है? हे वत्स, यहां इसलिए लाया हूं कि मैं तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद दे सकूं। संकल्प लो। हे रामचंद्र, बला एवं अति बला की शक्ति से तुम्हें ये वरदान होगा कि तुम कई कई मास अन्न और जल के बिना रह सकोगे। भूख और प्यास अब तुम्हारे जीवन में कभी संकट नहीं बन सकेगी। हे ऋषिवर, अब आप अपना अनुष्ठान आरंभ कर सकते हैं। राम, मैं जो यज्ञ करना चाहता हूं दो शस्त्रों के निर्माण के लिए है, किंतु यदि मैं दूसरे ऋषियों के साथ एक बार इस यज्ञ में बैठ गया तो फिर यज्ञ की समाप्ति तक ना मैं उठ सकता हूं ना मेरे सहयोगी। कोई भी उठा तो यज्ञ भंग हो जाएगा। आप चिंता ना करें महामुनि, हम दोनों भाई आप सबको तथा आपके यज्ञ को सुरक्षा प्रदान करेंगे। जब तक राम और लक्ष्मण हैं, आपके यज्ञ को भंग करने का साहस कोई नहीं कर सकेगा। धन्य हो पुत्र। ऋषिगण, यज्ञ प्रारंभ करने की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। सावधान, सुबह आंधी बनकर यहां आ रहा है। ध्यान रहे, यज्ञ में कोई भी बाधा ना आने पाए। जो आ गया। यही दोनों विश्वामित्र के सहायक हैं।
मेरी माता का वध भी इन्हीं दोनों ने किया होगा। पहले मैं यज्ञ भंग कर दूं, उसके पश्चात मैं इन पर आक्रमण करूंगा। विश्वामित्र तुम दोनों को अपनी सहायता के लिए लेकर आया है। राक्षसों से बैर? सुबाहु, मुझे राक्षसों से कोई बैर नहीं है, किंतु मैं साधु सज्जनों और असहाय व्यक्तियों से भी प्रेम करता हूं। मैं तुम्हें भी मारना नहीं चाहता सुबाहु। मेरा परामर्श है कि अपने प्राण लेकर यहां से वापस लौट जाओ। आज तक किसी में इतना साहस नहीं हुआ कि सुबाहु को लौट जाने का परामर्श दे। और तुम भी जान लो कि तुम अंतिम बार किसी को परामर्श दे रहे हो। तुमने मेरी माता का वध किया है, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। दुष्ट राक्षस, माया की ये विद्या अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु से बचाव के लिए बनाई गई है, किंतु तुमने इसका भी प्रयोग शस्त्र के रूप में किया। अरे बारी छू बारी, तुमने पहले मेरी माता तारका का वध किया, फिर मेरे भ्राता सुबाहु का। मैं तुम्हारा वध किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। काल तुम्हारे सिर पर खड़ा है मारीच। जिस प्रकार तुम लोगों ने ऋषियों और तपस्वियों का रक्त बहाया है, तुम मेरी भी दया के पात्र नहीं हो। किंतु फिर भी मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा, क्योंकि यदि तुम मर गए तो तुम्हारे स्वामी लंकापति रावण को यह सूचना कौन देगा कि अब यह क्षेत्र उसके आतंक से मुक्त हो गया है। जाओ, उसे जाकर कहो कि अब यह क्षेत्र रघुवंशियों की रक्षा में है। तू मुझे लंकेश रावण के पास भेजेगा? देख मैं तुझे कैसे यमलोक पहुंचा देता हूं। तारका गई, सुबाहु भी गया, मारीच भी अब लंका जाकर ही गिरेगा।
अब ब्रह्मर्षि विश्वामित्र राक्षसों के उपद्रव से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। भ्राताश्री, आप जाकर यज्ञ में भाग लें, मैं यहां पहरे पर रहता हूं। नहीं अनुज, अब उसकी आवश्यकता नहीं है, चलो। सफल हो गया आज मेरा अनुष्ठान, सफल हो गया। मुझे उस पापी के विनाश के लिए महाअस्त्र प्राप्त हो गया। वत्सराम, आज वर्षों बाद मेरी साधना सफल हो गई। गुरुदेव बधाई हो, आज से ये क्षेत्र भी राक्षसों के आतंक से पूर्ण रूप से मुक्त हो गया। ताड़का और सुबाहु मृत्युलोक चले गए तथा मारीच लंका चला गया। हे राम, ये सब तुम्हारे आगमन से संभव हो पाया है। देखो राम, मेरी वर्षों की तपस्या का फल, मेरी साधना का उत्तर। हे राम, ये बाण एवं धनुष विनाश के महाअस्त्र है, इनसे संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश होगा। मानवता की रक्षा के लिए दानवता का विनाश आवश्यक है, इसलिए मैं ये अमोघ शक्ति तुम्हें प्रदान करना चाहता हूं, क्योंकि ये संहार करने वाले बाण किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिए जा सकते जो अपने स्वार्थ के लिए इनका उपयोग करे। तुम राम हो, स्वार्थ से परे हो, मानव धर्म तुम्हारा उद्देश्य है, इसलिए ये शक्ति तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगी, और मुझे विश्वास है कि समय आने पर तुम इसका सदुपयोग करोगे। गुरुदेव, मैं आपको वचन देता हूं कि इस शक्ति का दुरुपयोग कदापि नहीं करूंगा।